बारी है हमारे चौथे फाइनलिस्ट मनोज और डांसिंग स्टार किशोर के परफॉर्मेंस की, तो दोनों जरा आ जाइए मंच पर। अरे वाह किशोर, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? ये मतलब तुम्हें देख के मुझे नूडल्स की याद आ रही, क्या बाल है यार किशोर के। वैसे किशोर जो है हमारे डेयर डेविल रहे हैं, फायर एक्ट्स करते हैं कमाल के। और किशोर थोड़ा डरते डरते पूछ रहा हूँ यार, मैं आज यहाँ पे भी कुछ ऐसा होने वाला है? होने वाला है क्या? ओ यहाँ पर बहुत हार हार चीज होने वाली है, तो देखो। ओके, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे चौथे फाइनलिस्ट मयूरेश और रुशाली के धूम धड़ाके मनोज के लिए और साथ में डांसिंग स्टार किशोर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट किशोर एंड मनोज। किशोर और आलू पराठा, हार्ट अटैक मत देना मुझे प्लीज। तैयारी में रहूं, पर यार ये तो मतलब फुल टू ट्रेंड है, जोरदार तालियां यार। इतना जबरदस्त एक्ट था कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि मन कर रहा है काश ये कंटिन्यू करते यार वो। लेकिन मुझे लगता है इसकी बजाय मुझे एक एम्बुलेंस चला के आना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो हेडमास्टर फारा है, आप बोल सकती हैं आप कुछ? मैंने तुम लोगों को बोला था हार्ट अटैक मत दो ना, आज लास्ट डे है, मत दो। क्या एक्ट था यार किशोर, मनोज तुम लोग ने तो मतलब ठान लिया है कि डांस शो की तो बजा ही रहे हो, बाकी हो कि बाकी और कोई भी शो, टीवीपी सबकी बैंड बजानी है आज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। भाई रेश विशाली प्लीज आ जाओ यार फटाफट। मयूरेश विशाली मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मनोज ट्रेन किया गया है फायर ईटिंग और फायर थ्रोइंग में, और उसके पास सर्टिफिकेट भी है, इसलिए मुझे पता था कि ये पूरी तरह से सेफ एक्ट है। फिर भी जरा भी अगर
टाइमिंग की गड़बड़ हो जाती तो मनोज का गोला किशोर के बम पे लगता, किशोर का बम आग से, मतलब आग का गोला जिसे बोलते हैं। सो इट वॉज मतलब था तो सेफ लेकिन जान निकल जाती है देखते हुए। और उसके साथ तुम लोग ने डांस किया, कोऑर्डिनेशन में डांस किया, कहीं भी आपका रिदम नहीं छूटा। सो आई थिंक यार हैट्स ऑफ फ्रॉम माय साइड। और अब उनसे बात करते हैं जो एक्चुअल में हैट्स ऑफ देते हैं। और आज तो दूंगा भी ये एक्ट में जब स्पेशली जब आप ऊपर घुमा रहे थे मनोज, और बाद में किशोर ने आकर के आपसे वो घूमता हुआ लिया, एंड देन योर स्प्लिट एंड द लास्ट बैंग फायर वाज अमेजिंग। मुझे आप लोगों से बड़ा हग चाहिए। थैंक यू। ये जो सर्फ एक्सेल एक मिनट चैलेंज हुआ है, आप बताइए इन दोनों में से कौन जीता है? मैं तो हमेशा बोलूंगा मेरे बच्चे मेरे फेवरेट हैं। एक छोटी सी बात मैंने नोटिस की, जब हम आप लोग शुरुआत करने के बाद आप लोग लेकर के आए और आपने साइड्स में रखे, हमारे मनोज का एग्जैक्टली उसमें आया, किशोर का थोड़ा गिरा, फिर उसने उसको फिर से वापस रखा। सो मेरा मनोज इज मेरा मनोज, आई लव माय चिल्ड्रन। वैसे किशोर भी हमारा है और किशोर ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया। फरा मैम भी हमारा है, गीता की गैंग में था ना। जी हाँ, तो मेरा हो गया ना, मतलब गीता माँ यहाँ होती ना, अगर गीता माँ यहाँ होती तो वो ऐसे ना बट मैं मनोज की दाद दूंगी क्योंकि वो इतना छोटा होकर इतने स्मूथली इतने कॉन्फिडेंटली उसने ये एक्ट किया। बट आई थिंक माई वोट इज अ टाई अगेन। वो टाई हुआ है यहाँ पे एक बार फिर से, पर कमाल का जो परफॉर्मेंस हुआ उसके बाद आप जानते हैं बारी आती है वोट मांगने की। और आज वोट हमारे लिल मास्टर्स नहीं मांग रहे बल्कि हमारे डांसिंग स्टार्स जो हैं वोट मांग रहे हैं। तो किशोर प्लीज। नमस्ते जनता, और मनोज का डांस आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इसको वोट करिए। और एक बात मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पूरा जनता को इसको फाइनल तक लेके आने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है क्योंकि बहुत मेरे जैसे ये मैं पहले क्या करते थे ऐसे ही कर रहा है। और अगर आपको ऐसे ही परफॉर्मेंस और देखने हैं तो वोट करने के लिए टाइप कीजिए MANOJ भेज दीजिए 57575 पर, और बाकी के डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच मयूरेश, ऋषाली, मनोज एंड किशोर, थैंक यू वेरी मच। लेट्स हैव अ बिग हैंड। थैंक यू। सबको नचा।